हे गाइस व्हाट्स अप। तो भाई कैसे हैं आप सब लोग। भाई हमारे चैनल में काफ़ी टाइम हो गया था, कोई वीडियो नहीं आ रही थी, तो आज फाइनली एक वीडियो डाल रहे हैं क्योंकि अभी मार्केट में बड़ा ही तगड़ा बज हो रखा है थार 4x2 का। महिंद्रा ने एकदम तोड़फोड़ सी मचा दी है मार्केट के अंदर, तो आज ये वीडियो उसी से ही रिलेटेड है कि भाई थार 4x2 किसके लिए है एंड किसको थार 4x2 के लिए जाना चाहिए और किसको थार 4x4 के लिए जाना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। बाकी भाई ये जो मैं गाड़ी यूज़ कर रहा हूँ ये थार पेट्रोल है और इसके ऑलमोस्ट 10,000 किलोमीटर हो चुके हैं एंड इसकी दोनों सर्विस हो चुकी है, दो सर्विस हो चुकी है बेसिकली। तो मेरे को 10,000 किलोमीटर में काफ़ी प्रॉब्लम्स भी फेस हुई, कुछ प्रॉब्लम्स के मुझे सॉल्यूशन मिले, कुछ प्रॉब्लम्स पे अभी काम चल रहा है एंड कुछ प्रॉब्लम्स के अभी तक मेरे को कोई सॉल्यूशन नहीं मिले हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करूँगा ताकि भाई आप डिसाइड कर पाए कि आपको थार 4x2 पे जाना है, थार 4x4 पे जाना है या फिर आपको थार पे ही नहीं जाना, कोई और व्हीकल आपको चूज करना है। सो होपफुली ये वीडियो आपको हेल्प करेगी ये डिसीजन लेने में। तो भाई आ जाओ शुरू करते हैं फिर वीडियो। तो भाई सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि थार 4x2 किसको लेनी चाहिए और किसको 4x4 ऑप्शन पे जाना चाहिए। तो भाई सबसे पहला है कि अगर आप एक लाइफस्टाइल व्हीकल देख रहे हैं और वो भी एक बजट के अंदर, तो थार 4x2 आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन बन जाता है क्योंकि यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट 3-3.5 लाख का कॉस्ट बेनिफिट मिलेगा जो डीजल वेरिएंट है थार का 4x2 और 4x4 का, तो उस पर आपको ऑलमोस्ट इतना ही आपको प्राइस वेरिएशन देखने को मिलेगा। तो ये काफ़ी एक अच्छी चॉइस बन जाती है अगर आप एक कॉम्पैक्ट एसयूवी की तरफ जाना चाह रहे हैं, तो आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छी चॉइस है 4x2 को भी कंसिडर करने की। बट अगर आपको पता है कि आपको इस गाड़ी के साथ एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग करनी है एंड आपको एक्सट्रीम कंडीशन में जाना है, देन ऑब्वियसली 4x4 आपके लिए ऑप्शन है इंस्टेड ऑफ 4x2। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखें कि 4x2 या 4x4 लेने से पहले। नाउ दूसरी बात आती है माइलेज की। अगर भाई आपका माइलेज एक कंसर्न पॉइंट है तो 4x4 की अगर मैं बात करूँ तो पेट्रोल जो कि मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर आपको भाई ऑलमोस्ट 8 या 9 का माइलेज मिलेगा। मैं ये एवरेज ही बता रहा हूँ, इसमें मैंने सिटी को भी कंबाइन किया, हाईवे को भी कंबाइन किया एंड कुछ ऑफ रोडिंग एक्टिविटीज़ करते हैं उसको भी कंबाइन किया है, तो ऑन एन एवरेज आपको 8-9 के बीच में गाड़ी माइलेज देगी। वहीं अगर मैं बात करूँ डीजल की, तो दो मेरे पास डीजल तो है नहीं, बट मेरे जो कुछ फ्रेंड्स हैं एंड जिन लोगों से मैंने बात किया जिनके पास डीजल है, उनका भी यही कहना है कि भाई बस 12 के आसपास, 12 या 13 तक उनकी गाड़ी एवरेज दे देती है। तो ये एवरेज कुछ लोगों के लिए काफ़ी कम है। तो आपको एक ऐसा व्हीकल चाहिए जो आपको अच्छी खासी एवरेज दे पाए और एक लाइफस्टाइल व्हीकल, देन आपके लिए 4x2 एक अच्छा ऑप्शन बन जाता है। तो इस केस में भी आप थार 4x2 पे जा सकते हैं। और भाई आप अभी कोई हैचबैक यूज़ कर रहे हैं और आपको एक एसयूवी में अपग्रेड करना है, तो हमारे पास काफ़ी ऑप्शंस हैं मिनी और कॉम्पैक्ट एसयूवीज़ में, बट वो एक्चुअली एसयूवीज़ नाम दे दिया गया है उनको, बट वो एक्चुअल एसयूवीज़ नहीं है। उनकी जो कैपेबिलिटीज़ अगर हम बात करें तो वो एसयूवी की कैपेबिलिटी नहीं है, वो बेसिकली आप बोल सकते हो कि हैचबैक को ही थोड़ा सा उठा दिया है, तो वो बेसिकली सूडो एसयूवीज़ है। बट अगर आपको एक रियल एसयूवी चाहिए देन आप थार 4x2 या 4x4 में जा सकते हैं। तो अगर आप अपग्रेड कर रहे हैं बट आपको पता है कि भाई मैं एक्सट्रीम कंडीशन में नहीं जाऊंगा, देन दो गो फॉर 4x2, क्योंकि भाई 4x2 के अंदर जो स्टांस है सेम है, जो अलॉय व्हील्स मिल रहे हैं 18 इंच के वो भी सेम मिल रहे हैं, गाड़ी के अंदर कोई भी चेंज नहीं है, बस आपको जो चेंज मिलेगा वो इंजन के अंदर मिलेगा। जो 4x2 है उसमें आपको 1.5 लीटर इंजन मिल रहा है डीजल इंजन, जबकि जो थार 4x4 है उसमें आपको मिल रहा है 2.2 लीटर डीजल इंजन। और अगर हम पेट्रोल इंजन की बात करें तो भाई पेट्रोल इंजन सेम है, बट हाँ यहाँ पे आपको 4x2 के अंदर सिर्फ आपको आई थिंक सिर्फ मैनुअल, यहाँ पे मैनुअल ऑप्शन नहीं है, सिर्फ ऑटोमेटिक ऑप्शन आपको 4x2 में मिल जाता है पेट्रोल इंजन के साथ। तो ये चीज़ें आप कंसिडर कर सकते हैं अगर आप थार लेने की सोच रहे हैं। बट भाई गाड़ी की अगर हम बात करें तो भाई तगड़ा हिसाब है यहाँ पे और आपको है ना रोड पे एकदम किंग वाली फीलिंग देगी। जो इस गाड़ी का स्टांस है, जिस हाइट पे आप बैठते हो, तो आपको हर तरफ जो है एकदम क्लियर व्यू मिलता है एंड जो आसपास की गाड़ी है अपने आप ही आपको साइड दे देती है। तो अगर आपको वो वाली फीलिंग चाहिए देन ऑब्वियसली यही एक व्हीकल है भाई इस कैटेगरी और इस प्राइस पॉइंट में जो आपको ये वाली फील देगा। बाकी भाई अगर है ना हम बात करें, अगर आप ट्रैवल एंथुजियास्ट हैं और आप काफ़ी ट्रैवल करते हैं एंड काफ़ी रोड ट्रिप्स आप करते हैं एंड आप यूजुअली दो लोग होते हैं, देन अगेन थार आपके लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन बन जाता है। एंड अगेन अगर उसमें भी आपको एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग नहीं करनी है देन यू शुड गो फॉर 4x2 ओनली, क्योंकि 4x4 है यार, एक तो है ना एक्स्ट्रा कॉस्ट हो जाएगी, उसकी माइलेज भी कम है
एंड वहाँ पे जो एडिशनल पार्ट्स हैं उसके 4x4 के जो एडिशनल पार्ट्स एडिशनल ट्रांसफ़र केस है, तो जितने ज़्यादा पार्ट्स होंगे उतने ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे आपके फेलियर्स के, और उतने ही ज़्यादा आपके इश्यूज़ के भी चांसेस बढ़ जाएंगे। एंड सिंस यहाँ पे अनस्प्रंग मास लगभग 150-170 केजी से कम किया है, तो जो 4x2 है दैट इज़ ईजी टू मैन्यूवर, यानी आप सिटी में अगर चलाएंगे तो काफ़ी ईजी हो जाता है आपको मैन्यूवर करने में। बट हाँ, एक जो डाउनसाइड यहाँ पे है जो 4x2 के अंदर, वो है कि भाई डीजल इंजन के अंदर आपको सिर्फ मैनुअल ऑप्शन मिल रहा है, कोई ऑटोमेटिक आपको नहीं मिल रहा है। तो अगेन सिटी में थोड़ी सी आपको दिक्कत दे सकती है गाड़ी, क्योंकि जो 4x4 है उसमें आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलता है, तो वो काफ़ी सही चीज़ है सिटी के अंदर। तो ये चीज़ें हैं जो आप कंसिडर कर सकते हैं आपका डिसीज़न बनाने के लिए कि आपको 4x2 में जाना है या 4x4 में जाना है। अब भाई इस गाड़ी को यूज़, जैसे मैंने बताया, यूज़ करते करते ऑलमोस्ट 6 महीने तो हो गए हैं मेरे को, 7 महीने हो गए हैं, और ये गाड़ी 10,500 किलोमीटर चल चुकी है। एंड यहाँ पे मेरे को काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स भी फेस हुई, और 2 सर्विस इसकी हो चुकी है, तो भाई मैं आपको कुछ प्रॉब्लम्स जो मेरे को फेस हुई हैं वो बता देता हूँ, और उसका मेरे को सॉल्यूशन मिला या नहीं मिला, एंड आफ्टर सेल्स जो सर्विस थी वो कैसी है महिंद्रा की, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी मैटर करती है ये चीज़ भी एक गाड़ी को लेने के लिए, या फिर अपने गाड़ी को आपका डिसीज़न बेसिकली बनाने के लिए कि आपको कौन सी गाड़ी चाहिए। क्योंकि बेचने के बाद या सेल्स के बाद जो आप कंपनी का रवैया है आपकी तरफ, या आपके कुछ भी प्रॉब्लम फेस हो रही है उसको सॉल्व करने का जो भी उनका रवैया है, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो भाई सबसे पहले अगर मैं बात करूँ इसकी, सबसे पहली जो मेरे को प्रॉब्लम आई थी वो मेरी फ़र्स्ट ट्रिप पे आई थी, जैसे मैंने गाड़ी ली थी उसको लेकर मैं निकल गया था फर्स्ट ट्रिप में, तो मैं आपको भाई दिखाता भी रहता हूँ साथ साथ कि क्या क्या इश्यूज़ आए। तो भाई जो सबसे पहली प्रॉब्लम मेरे को आई थी वो आई थी रूफ़ की, तो रूफ़ में इस वाले एरिया में से कहीं ना कहीं सीपेज होता था एयर का, और यहाँ पे नॉइज़ आता था। अगर मैं 70-80 किलोमीटर से ऊपर जा रहा हूँ तो एक नॉइज़ आता था, मतलब इरिटेटिंग सा नॉइज़ होता था, और ऐसा लगता था कि एयर बहुत स्पीड से अंदर है ना, गाड़ी के अंदर आ रही है। तो ये मैंने रिपोर्ट किया महिंद्रा को, बट होपफुली ये वाला इशू रिजोल्व हो गया जब मैं इसको फर्स्ट सर्विस पे लेके गया, तब मैंने ये महिंद्रा को रिपोर्ट किया, एंड उन्होंने कुछ एडजस्टमेंट करके रूफ़ के अंदर उस सॉल्यूशन को, इस सॉरी प्रॉब्लम को रिजोल्व कर दिया, उसका सॉल्यूशन मुझे दे दिया। देन अगेन सेम ट्रिप पे मेरे को प्रॉब्लम आया था, रूफ़ के अंदर से आवाज़ आता था, एक कट कट का नॉइज़ आता था। तो अगेन रूफ़ के अंदर, रूफ़ की अलाइनमेंट में और जो इसके टाइट जिस भी हिसाब से की हुई है, इसमें इश्यूज थे इनिशियली बैच के अंदर कुछ इश्यूज आ रहे थे। आई थिंक अभी जो मैंने रिसेंटली कुछ गाड़ी ड्राइव किया तो वहाँ पे मुझे ये इश्यूज नहीं मिले, बट ये इशू भी महिंद्रा सर्विस सेंटर ने रिजोल्व कर दिया। अब उसके बाद भाई जब मैं गाड़ी ड्राइव करता हूँ तो मेरे को एक जो काफ़ी मेजर इशू है, और भाई उसमें मेरे को काफ़ी डर भी लगता है, और वो मैंने महिंद्रा को बताया भी उस इश्यूज़ को, हाईलाइट भी किया उस इशू को एक्चुअली, बट अभी तक मेरे को उसका कोई सोल्यूशन नहीं मिला। महिंद्रा ने उस पर कुछ काम भी किया, मैंने पहले सर्विस सेंटर में उस इशू को बताया, फिर उसको हमने एस्केलेट किया महिंद्रा R&D टीम को, देन मेरे पास सिर्फ यही आया कि ये एक ऑपरेशनल नॉइज़ है, ये जो इशू है ये एक ऑपरेशनल नॉइज़ है ना, आपको इससे घबराने की कोई दिक्कत नहीं है, बट स्टिल आई एम नॉट प्रिटी श्योर अबाउट दैट, मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं मिलता है। इशू भाई ऐसा है कि अगर मैं ड्राइव करता हूँ गाड़ी को और मैं लेफ़्ट टर्न ले रहा हूँ, और लेफ़्ट टर्न 30 या 40 किलोमीटर की स्पीड है और मेरी, या उससे ऊपर की स्पीड है, अगर मैं उससे लेफ़्ट टर्न ले रहा हूँ तो मेरे को नॉइज़ फील होता है। मेरे को कहीं इस वाले एरिया से इधर, जो यहाँ इसका ARB है, आपको शायद आप देख ना पाएँ, बट इस वाले एरिया से मेरे को एक नॉइज़ आता है जो कि एक रबिंग नॉइज़ है। यहाँ पे हम ARB जो होता है, ARB के यहाँ से एक रबिंग नॉइज़ आता है, इसका सॉल्यूशन मेरे को अभी तक भी नहीं मिला है। बस मेरी प्रॉब्लम को महिंद्रा ने सिर्फ ये बोल के कि भाई ये एक ऑपरेशनल नॉइज़ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये करके उन्होंने इस प्रॉब्लम को क्लोज़ कर दिया है। तो ये एक दिक्कत है। दूसरी भाई जो प्रॉब्लम मुझे फेस हुई वो थी क्लच की। क्लच के अंदर स्प्रिंग होता है जो कि क्लच को अपनी पोजीशन पे वापस लेके आता है जब हम उसको प्रेस करते हैं, तो वहाँ पे एक नॉइज़ आता है, और वो नॉइज़ भाई बड़ा ही बेकार सा नॉइज़ है। हमेशा जब भी मैं प्रेस करता हूँ तो स्प्रिंग के अंदर से कोई ना कोई नॉइज़ आता है, तो उसमें एक कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि ये स्प्रिंग अभी टूट जाएगी, एंड सिंस क्लच हमें बार बार यूज़ करना होता है तो वो एक कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाता है। तो ये भी मैंने महिंद्रा को बताया,
एंड उसका भी मुझे अभी तक कोई सोल्यूशन नहीं मिला है. अभी ऑलमोस्ट 2 महीने हो गए हैं तो कोई सोल्यूशन इस चीज़ का मुझे नहीं मिला है भाई. एक और प्रॉब्लम थी जो कि स्क्रीन रिलेटेड है. स्क्रीन के अंदर मेरे को नहीं पता ये सॉफ्टवेयर इशू है या हार्डवेयर इशू है, बट स्क्रीन इसकी कभी कभी ब्लैकआउट हो जाती है या फिर कभी कभी उसके अंदर पूरा ब्लू हो जाती है स्क्रीन एंड उसके अंदर कुछ नहीं दिखता है. मैंने अगेन इस इशू को महिंद्रा में बताया, सर्विस सेंटर में बताया, उन्होंने 2-3 बार तो वो सॉफ्टवेयर अपग्रेड कर चुके हैं बट स्टिल मेरे को वो प्रॉब्लम फेस हो रहा है. तो अभी भी ये इशू है और ये इशू काफ़ी टाइम से प्रसिस्ट कर रहा है. बाकी भाई और अगर मैं आपको इशू दिखा दूँ तो, बट ये दिखाना क्या है इसमें मैं आपको बता ही देता हूँ. ये एक्चुअली सबको पता ही है. एक तो बूट स्पेस थार का वो तो भाई प्रैक्टिकल है ही नहीं. 2 लोगों के लिए अगर आप ये गाड़ी लेना चाहते हैं देन भाई बहुत सही गाड़ी है, आप इसको डेली ड्राइवर भी यूज़ कर सकते हैं. बट अगर आप सोच रहे हैं कि आपकी एक फैमिली कार की तरह ये यूज़ हो पाएगी तो भाई वो बहुत मुश्किल है, वो आप यूज़ नहीं कर सकते. बाकी इसमें जो हम पीछे वाली सीट पे जो भी जाते हैं उनके लिए काफ़ी प्रॉब्लम है, आपको काफ़ी दिक्कत होगी पीछे वाली सीट में जाने के लिए. देन अगेन ये एज अ फैमिली कार यूज़ करना थोड़ा मुश्किल है. और भाई जो आखिरी जो मेरे को इशू फेस हो रहा है वो मैं आपको दिखा देता हूँ. भाई जो आखिरी इशू है ये है प्लास्टिक क्वालिटी का. तो आप शायद सुन भी रहे होंगे एक अलग ही नॉइज़ आता है यहाँ पे, प्लास्टिक एकदम बजता रहता है. प्लास्टिक क्वालिटी सही में मतलब 2 कार की बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है बट जो प्लास्टिक की क्वालिटी यूज़ की गई है गाड़ी के अंदर भाई बहुत ख़राब है. तो ये आपको कहीं से भी, हाँ ऑब्वियसली एक रगेड फीलिंग तो आपको देगी गाड़ी लेकिन कोई भी प्रीमियम फील नहीं देगी. तो अगर आप चाह रहे हैं कि भाई आपको एक प्रीमियम फील वाली गाड़ी चाहिए देन ये गाड़ी आपके लिए नहीं है. बट हाँ आपको एक तोड़ू फोड़ू गाड़ी चाहिए, रगेड गाड़ी चाहिए जो कहीं भी आपको ले जाए तो भाई थार आपके लिए बहुत ही सही व्हीकल है. तो ये सारे पॉइंट्स है भाई, होपफुली ये सारे पॉइंट की हेल्प से आप डिसाइड कर पाए कि आपको कौन सा व्हीकल लेना है. एंड बस यही है. बाकी भाई यूटी, ये भाई हमारे यूटी मिस्टर यूटी ये भी हमारे साथ आए हुए हैं आज इस वीडियो में, इनका भी काफ़ी इनपुट रहा है इस वीडियो को क्रिएट करने में. तो यही था भाई मेरा एक्सपीरियंस, होपफुली आपको काफ़ी हेल्प किया होगा. अरे हाँ हाँ एक यार एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी, दो ये एक रिकॉल था महिंद्रा की तरफ से, रिकॉल था कि भाई जो इंजन बेल्ट है वो शुरू में एक लूज थी, यानी वो एक मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट था. तो कंपनी ने गाड़ी को रिकॉल किया. तो उससे पहले मैं अपनी गाड़ी को लेह लद्दाख लेके गया था, वहाँ पे मेरे को काफ़ी अंडर पावर फील हो रही थी गाड़ी. तो भाई मेरे को जब मैंने टेस्ट ड्राइव की एंड मैंने और भी 1-2 लोगों की गाड़ी चलाई तो भाई वो गाड़ियाँ बड़ी फाड़ू एकदम पावर दे रही थी, एकदम इंस्टेंट पावर दे रही थी, बट मेरी गाड़ी मेरे को काफ़ी अंडर पावर फील हुई. तो मैं जब फर्स्ट सर्विस पे लेके गया इसको, नो नॉट ऑन दी फर्स्ट सर्विस, देयर वर सम इश्यूज विच वर कमिंग, जो रबिंग का इशू मैंने आपको बताया, जब मैं टर्न लेता हूँ जब उस इशू के लिए लेके गया, सो दैट टाइम मैंने ये कंप्लेंट रजिस्टर किया दैट आई एम फीलिंग माई कार अंडर पावर्ड. जो इसका 320 न्यूटन मीटर का पेट्रोल का टॉर्क है भाई वो फील नहीं हो रहा था मेरे को. देन हमें पता चला कि देयर इज़ इशू इन दी बेल्ट, इंजन बेल्ट, एंड उसका एक रिकॉल आया हुआ था. तो इन केस अगर आपको भी आपकी गाड़ी अंडर पावर लग रही है तो आप ये सर्विस सेंटर में ज़रूर बताएं, क्योंकि काफ़ी सारी गाड़ियों में रिकॉल आया हुआ है. तो भाई यही थे सारे इश्यूज, सारे प्रोज कॉन्स आपको मैंने बताए अपने एक्सपीरियंस से, जो भी मैंने ये 10,000 किलोमीटर चलाई है गाड़ी. सो होपफुली ये आपको हेल्प करेगा डिसाइड करने में कि भाई आपको थार 4x2 लेनी है, 4x4 लेनी है, या फिर कोई भाई और ही गाड़ी पे आपको शिफ्ट होना है. So that's it guys, thank you for watching our channel and keep supporting. और भाई share कर दो, follow कर दो, बस यार यही चाहिए और कुछ नहीं.